तो कभी कभी बिजी होना भी जरूरी है यार। अपन गए थे साउथ कोरिया लास्ट ईयर और देखो अब जाके टाइम मिला है एडिट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना सफर साउथ कोरिया का। अन्यास्यों एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो आज कुछ नया हो रहा है लाइफ में, वो हो रहा है क्या, पहला इंटरनेशनल ट्रैवल है अपना। एक्साइटमेंट देख रहे हो लड़के की चेहरे पे। तो फाइनली पासपोर्ट अपना काम आया, 4 साल बाद, 4 साल हो गए बने हुए। तो पैकेज अपनी रेडी है। बहुत स्ट्रगल करी है यार इस वाली ट्रैवल के लिए, मतलब ये जो अपनी ट्रिप है उसके लिए, बट ठीक है, अच्छा है कि एट द एंड हो गया। अभी सीन ये है कि ये है टर्मिनल 3 और अपने को करवाना है बोर्डिंग पास। एयर इंडिया की फ़्लाइट है, वो रही एयर इंडिया का बोर्डिंग काउंटर, वहाँ से करवाएंगे। 12 बजे की फ़्लाइट है, अभी पहुँच गया हूँ, 8-9 के अराउंड हो रहा है, थोड़ा जल्दी पहुँच गया क्योंकि लास्ट उससे एक लर्निंग रही है, लास्ट फ्लाइट छूट गई थी मेरी बैंगलोर से। तो ठीक है, वो करवाते हैं फिर आगे की बातें करते हैं। मुझे लग रहा है साउथ कोरिया के लिए कुछ ज़्यादा ही लोग हैं। तो यहाँ से जो फ़्लाइट है मेरी वो है ये टर्मिनल 3 IJR एयरपोर्ट दिल्ली से टू सोल। सोल इज़ कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। तो वहाँ तक है, भीड़ तो काफ़ी लग रही है यार। चलो यहाँ से करवाते हैं पहले बोर्डिंग का। लीजिए बोर्डिंग पास मिल चुका है अपने को, अब यहाँ से करवाते हैं पहले सिक्योरिटी, क्योंकि वैसे तो मैं थोड़ा जल्दी हूँ लेकिन सिक्योरिटी एक बार करवा के यहाँ का अपना झंझट ख़त्म करके फिर बैठते हैं आराम से, फिर करते हैं आगे की बातें। लीजिए ई माइग्रेशन था और सिक्योरिटी चेक था, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मस्त ठप्पा लग गया है अपना, पहला ठप्पा पासपोर्ट पे। चलते हैं आगे, गेट नंबर तो अभी देखना पड़ेगा यार, गेट नंबर कौन सा है। गेट नंबर क्लियर हो तो गेट के पास पहुँचते हैं। अपना है एयर इंडिया, एयर इंडिया टू सोल 10 नंबर, 10 नंबर। हाँ तो 10 नंबर गेट है, चलते हैं आगे टुवर्ड्स फ्लाइट। तो भैया छोटे से ही अपने को ये एनीमे और कोरियन सीरीज देखने का बहुत शौक था, तो उस चक्कर में काफी इन्फ्लुएंस रहे हम ये कोरियन और जापानीज कल्चर से। तो इस बार अपना कोरिया का ड्रीम पूरा हो रहा है, तो तब से ही मन था कि भाई इस जगह तो जाना ही जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यार प्लेन रेडी है अपना निकलने को, बेसब्री से इंतजार कर रहा है हमारा। मछली मछली मछली, ये रहा बाहर का नज़ारा। और इससे पहले कि कोई बगल में बैठे उसको ऑकवर्ड फील करवाऊँ तो अभी बंद करता हूँ मैं, आगे का एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको। उल्लाला बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं यार डोमेस्टिक फ्लाइट से। पहले तो मैंने कभी आइल सीट बीच में नहीं देखी थी, तो आइल सीट बीच में है। और हमारे पास एंजॉयमेंट के लिए क्या क्या है, हमारे पास एंटरटेनमेंट की टीवी है। ओ यहाँ पर साइड में USB चार्जिंग, ये हमारे पास कुछ एक्सेसरीज, देखना पड़ेगा इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे पास हैं एयरपॉड्स और तकिया। तकिया तो ज़रूरी थी क्योंकि 6.5-7 घंटे का ट्रैवल है, तो ये तो बनता है, थकान हो जाएगी काफ़ी मुझे लग रहा है। पहुँच गए हाँ सोल। अच्छा था यार, कोरिया में आपका स्वागत है। अच्छा ट्रैवल रहा, फर्स्ट टाइम था, मज़ा आया, बहुत कुछ देखने को मिला और खाना पीना बढ़िया टाइम पे खा गया था। बगल में बंदे थे इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी।
चलिए यहाँ से देखते हैं, पहले पहले तो लगेज कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं। लाइन में लगे हैं क्योंकि अपने पास होता है ये क्यू कोड, जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट है, वैसे यहाँ पे क्यू कोड का वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसका मैंने पहले से रजिस्टर कर लिया था, यहाँ पे भी हो जाता है ऑफलाइन, पहले से करके चल रहे हैं। ये फाइनली पूरा बाहर आ चुके हैं, अभी दो काम रहते हैं, वैसे तो ये करेंसी एक्सचेंज है पीछे, ज़रूरत नहीं भी करेंसी एक्सचेंज की, तो आई थिंक चल काम चल जाएगा कार्ड से, बट यहाँ से लेना है सिम, एक सिम लेंगे, फिर अभी हम हैं सोल में, सोल में इनका एयरपोर्ट है, और यहाँ से जाना है कहाँ, सुवान, तो सुवान में अपना होटल, तो वो करना है, तो उसके लिए बस ढूँढनी पड़ेगी, तो ये दो काम है अपने अभी। अपने को सिम यहाँ की, तो मेरा स्टे यहाँ पे 11 डेज़ का है, तो मैंने 20 डेज़ के लिए सिम ली है, तो जल्दी से सिम इंसर्ट करते हैं अपने यहाँ से और इनेबल करते हैं इंटरनेट। जी हे वी आर, बाहर आ गए होटल से, बुकिंग करनी है अब बस की, यहाँ से हल्की सी ठंड है, 10 डिग्री वैसे तो टेम्परेचर यहाँ पे, लेकिन हल्की सी ठंड है, तो अपने तो पूरी तैयारी करके आए हैं, क्योंकि कल परसों के अराउंड में बोल रहा है यहाँ पे स्नो का, तो देखें अगर लकी हो जाए तो क्या पता स्नो हो जाए। चलो पहले यहाँ से बुकिंग करता हूँ मैं उसकी बस की, निकलते हैं होटल की तरफ। लीजिए फिर मिल गई आपको टिकट, 882 काउंटर, और 882 काउंटर पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं बस का। अभी सीन क्या है, यहाँ पे जो करेंसी है वो है वॉन, और रफली कुछ ऐसा है कि 1000 वॉन इज़ समथिंग अराउंड 60 रुपीज़, तो ये था, लेकिन अपना कोई ऐसा सीन है नहीं, क्योंकि अपना चल रहा है कार्ड से, तो कार्ड से पेमेंट हो रही सारी, बस यहाँ से लेते हैं बस और फिर पहुँचते हैं अपने होटल। ठीक पहुँच गए हैं रमाडा प्लाजा, ओ यहाँ से करीबन लग गया मेरे को 1.25 घंटा लग गया वहाँ से सियोल एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने में, बस क्या है अभी यहाँ चेक इन करवाते हैं, आगे की बातें करते हैं। वो हल्की हवाएं चल रही हैं, बढ़िया सी, एकदम अलग सा फील आ रहा है यार। ओ भाई कहाँ जा रहे हो? लीजिए पहुँच गए हैं रूम में, ओ भाई साहब फाइनली रीच टू सुवान, तो ये है अपना बेस प्लेस, अब 10-11 दिन के लिए आगे के लिए, और यहीं रुकेंगे। यहाँ से व्यू देखो आप, व्यू कुछ ऐसा है, आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है, होपफुली बोल रखा है कि 4-5 के अराउंड बारिश है, तो बारिश इस टाइम पे हो सकता है स्नोफॉल कंसीडर कर सकते हैं, वो वाली बात है। ये अपना रूम, और ओहो LED विद सैमसंग, तो फिर बहुत है यार आज के लिए, काफ़ी कुछ हो गया है, थकान हो गई है, और आज करेंगे रेस्ट, फिर कल से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इधर एक्सप्लोर करना, उतना ही था आज के लिए। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।